आज हम 13.4 का दूसरा सवाल देखेंगे। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 cm एंड द पेरीमीटर सर्कम फेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर इंड्स आर 18 cm एंड 6 cm। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आइए बच्चों इस सवाल को लगाते हैं। दिस इज ए फ्रस्टम और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यानी इसकी जो है फ्रस्टम की स्लैंट हाइट 4 cm, स्लैंट हाइट 4 cm। सवाल में आपके प्रॉब्लम में दो सरकम फेरेंस दिए हुए हैं। अब ये देखिए, एक सरकम फेरेंस ये है आपका, ये इतना, ये सरकम फेरेंस ये 18 cm है, और दूसरा सरकम फेरेंस ये है आपका ये, और इसका जो है आपका है 6 cm। बहुत अच्छे समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपका 18 cm है, ऐसे लिखते नहीं बन रहा हमसे, और ये इसका जो सरकम फेरेंस 18 cm, ये आपका 6 cm। फिर इसके बाद बच्चों तो हम यहाँ लिखेंगे 2πr1, इसको r1 निकाल लीजिए, एक 18 cm, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई r1 एजुकल तो हो जाएगा 9 cm, है ना, ये 2 9 18 हमारा भाग हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, ये आपका r2 मान लो, ये r1 हो गया आपका और ये r2 हो जाएगा इधर, तो फिर ऊपर लिखेंगे 2πr2 बराबर 6 cm। तो यहाँ पर पाई r2 एजुकल टू, ये 2 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 cm हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बना और दूसरा हमारा इक्वेशन ये बना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसे हमें निकालना है। अब यहाँ पर आपके दो सरकम फेयरेंस बनते हैं, तो देखिए 2πr एजुकल टू सरकम फेयरेंस है ना, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है 2πr, इसलिए हम 2πrn 18 लिखा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 2πr2 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आगे देखिए, और हमें इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम को छिन्नक कहते हैं, तो इसका फार्मूला होता पाई r1 प्लस r2 प्लस यल, क्योंकि हमारी तिरछी ऊंचाई है यहाँ, यल स्लैंट हाइट। तो अब क्या करेंगे हम, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा पाई r1 प्लस पाई r2 और यहाँ यल हो गया। तो देखिए पाई आर वन कितना है 9 आपका, पाई आर टू कितना है 3, तो यहाँ पर 9 प्लस 3 आई एल हमारा ये 4 है, हम रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 प्लस 3 इंटू, अब यल कितना हमारा 4, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो 9 में 3 जोड़ा कितना होगा 12 और इंटू 4 कर दीजिए बराबर 48, तो यह हो जाएगा cm², क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया को स्क्वायर में लिखा जाता है, तो आपका यही आंसर होगा 48 cm². मेन बात है, फ्रस्टम को हम जो है हिंदी में छिन्नक कहते हैं, और तिरछी ऊंचाई को यहाँ पर यल से प्रकट करते हैं, सीधी ऊंचाई को एच से प्रकट करते हैं, नीचे r1 ऊपर r2, ये आपका 2πr1 सरकम फेरेंस का फार्मूला है, ये 2πr2 का जो है सेकेंड सरकम फेरेंस का फार्मूला है, तो इस प्रकार से आपका 48 cm² आया है।